हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्प प्रदाकर, स्वागत करता हूँ आपको फ्लाई अकेडमी भोपाल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फेक यूनिवर्सिटीज़ के। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको हम इस फटाफट इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पर भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट मिलती रहे, कोई भी पोस्ट आपसे छूटे नहीं, PDF से लेकर हर चीज़ आपको वहाँ पर मिलती रहे। और जो मैं इसका फेक यूनिवर्सिटी का PDF है मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि फेक यूनिवर्सिटीज़ पता कैसे करते हैं। देखिएगा, फेक यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका जीवन जो है वो आपका व्यर्थ जा सकता है, क्योंकि ना तो उस डिग्री की कोई वैल्यू रहेगी और आपने जो पैसा और समय बर्बाद कर दिया वो भी सब बर्बाद चला जाएगा। इसलिए हमें ज़रूरी से जानकारी होना चाहिए कि हम किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी जेन्युइन है या नहीं। तो इसके लिए पता करने के लिए कुछ नहीं करते, सबसे पहले आप आपके क्रोम ब्राउज़र पर जाइए। ब्राउज़र पर जाने के बाद आपको लिखना है UGC.ac.in, और आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने UGC.ac.in का पेज ओपन होगा। यहां पर आप यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन दिख रहा होगा, यूनिवर्सिटीज़ पर यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा फेक यूनिवर्सिटीज़। इस पर क्लिक करेंगे फेक यूनिवर्सिटीज़ में तो बाकायदा यहाँ पर आपको नोटिस हिंदी और इंग्लिश दोनों में जाएगा। हम हिंदी पे क्लिक कर दिए हैं और आप देख रहे होंगे यहाँ पर बाकायदा UGC का लेटर हेड है, और जिसमें 7 अक्टूबर 2020 की डेट लिखी हुई है, जिस पर उन्होंने विश्वविद्यालय विषय लिखा है फर्जी विश्वविद्यालयों के बारे में सार्वजनिक सूचना। मैं आपको बता दूँगा कि ये जो फर्जी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी हर साल UGC लिस्ट निकालती है। तो अगर आप लोग जैसे अभी 2020 चल रहा है, 2020 में ही निकाली, 2021 में फिर से नया, ऐसे करके हर साल नई निकालते हैं। इसमें क्या लिखा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 22A के अनुसार केंद्रीय एवं राज्य प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत स्थापित मानित विश्वविद्यालय अथवा वह संस्थान जिन्हें संसदीय अधिनियम द्वारा उपाधि प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अधिकार दिया गया है उपाधि प्रदान करते हैं। मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं केवल जिनको मान्यता दी है वही यूनिवर्सिटीज़ हैं, उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग या उपाधि प्रदान करना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुच्छेद 23 के अनुसार निषिद्ध है, मतलब वो वैलिड नहीं है। तो छात्रों एवं जनसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि देश के विभिन्न भागों में वर्तमान समय में निम्नलिखित 24 स्वतः अभिकल्पित 24 यूनिवर्सिटी फेक चल रही है, 24 जो अभिकल्पित हैं गैर मान्यता प्राप्त संस्थान कार्यरत हैं, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 को उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा दिख रही मुझे 7 यूनिवर्सिटी। पहला है कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज दिल्ली, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी दिल्ली, वोकेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, ADR सेंट्रिक जूरिकल यूनिवर्सिटी, ADR हाउस, 8J गोपाल टावर, 25 राजेंद्र पैलेस नई दिल्ली 11008। पांचवी फेक यूनिवर्सिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग नई दिल्ली। ये इसका कॉल तो मेरे पास 2-3 बार आ चुका है। विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंडिया, रोजगार सेवा सदन 672 संजय इनक्लेव अपोजिट GTB डिपो नई दिल्ली, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी फेज 1 ब्लॉक है बिहार। तो टोटल 7 यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, कर्नाटक में एक चल रही है बड़ागान भी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी गोगाक बेलगाम कर्नाटक, केरल में चल रही है सेंट जॉन यूनिवर्सिटी कृष्णाटम केरल, महाराष्ट्र में राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी नागपुर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में 2 यूनिवर्सिटी हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 यूनिवर्सिटी हैं, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, महिला ग्रामीण विद्यापीठ, गांधी हिंदी विद्यापीठ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद इंस्टीट्यूशन एरिया। सोच लीजिए UP में और दिल्ली में सबसे ज़्यादा फेक यूनिवर्सिटी हैं गाइस। उड़ीसा नव भारत शिक्षा परिषद अन्नपूर्णा भवन और नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ बारीपड़ा डिस्ट्रिक्ट बता नहीं किया गया। पांडिचेरी में चल रही श्री बोधी अकेडमी फॉर हायर एजुकेशन और आंध्र प्रदेश में गाइस क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ बोला है कि भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश यह मामला जिला न्यायाधीश लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है। मतलब ये जो यूनिवर्सिटी भारतीय शिक्षा परिषद ये यूनिवर्सिटी अभी कोर्ट में केस चल रहा है, तो गाइस ये भी फेक में ही आती है। इन्होंने फेक नहीं मेंशन किया है, बट इसको आप अभी आप फेक मान के चलें, यहाँ पर एडमिशन ना लें।
तो गाइज आपने देख लिया कि टोटल 24 यूनिवर्सिटी और एक और 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल जो फेक की लिस्ट में आती हैं। और गाइज इनसे अगर कॉल आता है, अगर ये आपको फर्जी तरीके से आपको अगर बोलते हैं कि हम आपको पास करवा देंगे पैसे देकर, तो वहाँ पे आप सिर्फ पैसा ख़त्म करेंगे आपका और कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसलिए गाइज सावधान रहें, सतर्क रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और सभी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सभी लोगों को पता चले फेक यूनिवर्सिटीज़ के नाम के बारे में, ताकि कोई भी इनके चंगुल में नहीं फंस सके। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ की आपको मैंने साइट बता दी, साइट पर भी कैसे चेक कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।